दो हफ्ता के बाद जा रही हैं अकेले। दूसरा हफ्ता में जाई था ना। बाप रे बहुत ना दिन से तबीयत सबके खराब, अभी भूख नहीं उसको लग रहा, नाश्ता कुछ नहीं लेकर जा रही है। चल ले आ तो चल जाता हूँ ना, भाग जाता हूँ, फिर दौड़ते रही हूँ। यहाँ पे चढ़ा दिए हैं नेनुआ की सब्जी, इसमें दाल। नेनुआ कौची खराब का है, नेनुआ खाना अंग्रेज आदमी को। अभी गैस पूरी भून गया, थोड़ी भून गया वो गया ऑर्डर। वेरी गुड इवनिंग श्री शिवाय जय श्री महाकाल। तो ये शाम का समय है, सुबह बनाए थे कि आप लोग से दिखलाए थे नेनुआ की सब्जी, नहीं दिखला है, वो तो गया है वीडियो पहले का गया है, मतलब एक दिन पहले का, जिन दिन आलू भर के रोटी बनाए थे ना उस दिन का गया है। कैसे दूर दूर क्या रहा है, चुनू कैसे आ रहा है दूर दूर क्या, जा 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 आ जा। आज ना खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है ना कि कुछ अलग, ये भी नहीं कि चिकन का खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ अच्छा तरह से खाने का मन कर, खाली आलू भर की रोटी आज हमको खाने का मन कर, पता नहीं क्यों। आज मंगाए पोच बना के, दू हम दो आशीष चार, दो अंजलि छः, और दो को उधर जाएगा, छः सात आठ आएगा डेरी मिल के उबला होगा, नौ गो 105 रुपया का हुआ। पोच बना वहाँ के लाए, पोच अच्छा से सिखवाया है, प्याज काट ले ग्रेवी लगा देंगे उसके बाद रोटी बना देंगे, बस यही चलेगा पोच रोटी। आज जो ऊपर होगा वो दो मैचिंग नहीं होगा, वो अंजलि वाला, अंजलि को आज पूछे ना कि भूख लगा, बोली कि थोड़ा सा लगा था, तो नाश्ता नहीं लेके गई थी तो उसकी फ्रेंड थी, वो अपना फ्रेंड से एक रोटी लेके खाई है, भूखे पता ना कहाँ हो गया है, भूखे नहीं लग रहा है, भूख प्यास तो खूब लग रहा है, पानी तो खूब गटक्का मार रहा है, लेकिन भूख नहीं लग रहा है। चंगना मंगना है उधर, खाना नहीं जाता ना तो हम लोग बना बना नहीं करते, रियल बता रहे हैं। चाहे ऑर्डर ऑर्डर आ रहा है, तो जैसे कल दोपहर में ऑर्डर आया ना तो सोयाबीन के सब्जी का ऑर्डर आया, अब फूल जाता है तो फूल मेरा है तो 250 रुपये का हाफ है और 500 रुपये का फूल है, तो फूल दिए तो बोला है कि हाफ दिए हैं कि फूल दिए, कस्टमर कॉल के हाफ दिए हैं कि फूल दिए हैं, तो हम कहे कि सर ये फूल ही है, तो फूल जैसा लग नहीं रहा है, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट से मंगा कर देख लीजिए फूल का ही डब्बा है, तो थोड़ा सा क्या बोला क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि 500 रुपये मायने रखता है, मायने तो रखता है भाई 500 रुपये, तो इतना गया मेरा सोयाबड़ी की सब्जी, लेकिन कोई कस्टमर ऐसे नहीं बोला, क्योंकि फॉर्च्यून का हम सोयाबड़ी इस्तेमाल करते हैं, लोकल नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली तो रहेगा, ऊपर से ना तेल ज़्यादा ना मसाला ज़्यादा, स्वाद रहता है, तो कोई भी कस्टमर ये कंप्लेन नहीं किया, लेकिन एक आया तो उसी के चलते हमको एक स्टार मिला, कि हम आपको स्टार दे रहे हैं लेकिन क्वांटिटी पे दे रहे हैं, कि क्वांटिटी कम हमको लग रहा है, कि ठीक है दूसरा बार ऑर्डर करेंगे तो क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या करें रेगुलर कस्टमर से अब क्या करें हम, रेगुलर कस्टमर को तो एक्स्ट्रा हम दे ही देते हैं, कुछ भी रहे जो देखते हैं कि रेगुलर मेरा कस्टमर है तो उसको एक्स्ट्रा दे देते हैं, और एगो कस्टमर इतना अच्छा मैसेज अथि किया है ना, इतना अच्छा रिव्यू दिया है कि हम क्या बताएं, मतलब कि उसको एकदम से तेल मसाला नहीं चाहिए, एकदम से तेल एक चम्मच डाल के, तो वैसा के ना बहुत ज़्यादा अथि रखना पड़ता है, मतलब कि आपको आया हुआ है ऑर्डर और ऊपर से उस का भी बनाना है तो उसमें अलग ध्यान देना पड़ता है, ऐसे नॉर्मली बनना है तो हाँ भाई सब्जी डालिए बनाइए दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा कस्टमर के सोयाबीन की भी सब्जी मांगा तो उसका अलग फरमाइश था, ना ज़्यादा तेल होना चाहिए ना ज़्यादा मिर्च तो एकदम नहीं रहना चाहिए, हरा मिर्च एगो रह सकता है, रेड मिर्च नहीं रह सकता है और ना ही कश्मीरी लाल मिर्च रहता है, तो वैसा कस्टमर के लिए पर्सनली देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा हम लोग को समय जाता है ना,
ज़्यादा समय जाता है, एक्स्ट्रा समय हम लोग को लगता है। ऐसे तो नॉर्मली आया भुजिया है, भुजिया भी भुजिया पराठा का भी आता है तो हमको अलग से भुजिया भूजना पड़ता है, क्योंकि इस भुजिया में थोड़ा सा तो सूखा लाल मिर्च रहता ही है डालल पाउडर, तो वो मना करती है कि हमें सिर्फ हल्दी ही डालिएगा, अभी नहीं, तो उसके लिए हमको अलग से ही बनाना पड़ता है। तो ज़्यादा हमको मेहनत लगता है ना, नॉर्मली अगर पराठा भुंज जाए तो बस खाली भुजिया उन्हें चढ़ा दी, उसमें सब डालल है, अब बनबो किया, अब आया ऑर्डर तो उसी में से देते गए बच्चे रहते देते गए, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो वही कस्टमर हमको दी है कि इतना, मतलब कि कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं देगा जो पर्सनली आपका वो सब चीज़ ख्याल रखते हुए बनाए, तो ख्याल रखते हुए बनाना पड़ता है। तो कस्टमर आगे हमको कॉल कर देती है कि आज बनाना है, उसका तैयारी कर लीजिएगा, तो हम आगे तैयारी वारी करके रख लेते हैं। एक काम में को अच्छा करती है कि पहले ही कर देती है, आमलेट उमलेट भी बनाना रहता है तो पहले ही कर देती है। तो एक आलू डलवाती है एकदम छोटे छोटे महीने ही काट के, तो वो आलू भी डालते हैं, और चावल मंगाई तो चावल दे दिए, लेकिन इधर चावल नहीं मंगा रहे, दो बार से गया ना तो सिर्फ आमलेट कर ही गया है, बस और कुछ नहीं। ओ क्या का बाहर जाएगा बेरी बेरी कौचे हैं यहाँ पर, चुपचाप बैठो, कैसे बैठा हुआ है इन्हीं मंजर बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, तुम कैसे करता है हैं? छिया बच्चा उधर कौची है, चुपचाप बैठ जाते मैं तो बहुत पिटे हुआ जा रहे हैं। प्याज गलाने, मसाला भूंजेंगे, अंजली आज गई है लेकिन नाश्ता लेके नहीं गई है, नाश्ता लेके नहीं गई है, उससे पूछे तो कहेंगे हाँ थोड़ा सा भूख लगा, वो चलेगी तो भूख भी लगेगा, पेट में गर्मी हो गया है ना, जितना दवाई खाते खाते तो पेट में गर्मी हो गया है ना, तो पेट की गर्मी तो भूख बांध देता है, तो भूख अभी बांध ले है, दोनों का भूख बांध ले, हम तो दवाई नहीं खाए तब पर भी हमको भूख नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, एक तो टेंशन में रहे आ इस सबकी तबीयत खराब हुआ तो डबल टेंशन, समझ लीजिए कि डबल टेंशन, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है तो थोड़ा सा इसका ठीक हुआ तो इसको बोले कि तेरे तुम पैक कर दो, फिर ये कुछ दिन पड़ा रहा है तो रात में अंजलिया कुछ ठीक हुई तो रात वाला अंजलि संभाली, दर्द भी कर रहा था तो अंजलि संभाली, दर्द उसका कर ही रहा था, लेकिन उस दिन ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा था, ऑर्डर पे ऑर्डर खाली आलू भर के रोटी, वो भी एगो के आठ गो नौ गो था, फिर एगो आया दो गो, फिर चार गो, फिर एगो, ऐसे करते करते खाली आलू के पराठा आ रहा था, ऊपर से चावल दाल भी था, सब्जी भी था, तो उस दिन अंजलि के सर भी दर्द कर रहा था, ये तो इसका तो सर्दी बोल था, तो ये बोला कि हम जा रहे हैं दीदी सोने, तो ये चला गया सोने, अंजलि संभाली, सब सर भी दर्द कर रहा था, नहीं सोती है उसमें मेरे साथ, दोनों भाई बहन के साथ सब सोती थी सर, क्योंकि मेरे पास सोचा एक दिन तो आए थे जो सोफा पर सुतल थी तो उसको ले गए, उदम ऐसे ही बोल रहे कि बड़ा कस के सर दर्द कर रहा है, उसको ले गए 3 बजे, फिर उसको झंड बम लगाए, बर्फ का अथी पट्टी किए, तो थोड़ा आराम हुआ, जा रहे हैं बनाने, बात करेंगे तो पकड़ पकड़ में ही रह जाएंगे, इधर इतना अथी हो ना कि देखो नहीं चल रहा है एकदम से, देख रहे हैं किचन का हाल, देख लीजिए सब्जी काटे लेकिन हमको बनाने का मन नहीं किया, ये देख लीजिए सब्जी काटे अलुआ का और ये गोभी उबाले हैं, लेकिन मन नहीं किया सब्जी बनाने का, जा रहे हैं आमलेट का झोर लगा देने, पोच मंगा है, पोच का झोर लगाएंगे, घर बोला कि हम नहीं बनाएंगे, तो क्योंकि जाओ खरीद के लेते हो, तब जा रहे हैं झोर लगा लेने, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, रोटी बना लिए जम दिख लिए, क्या कटोरा ले लिया है, चलो रखो यहाँ पर रखो, नहीं पानी ऐसे गिरा नहीं खाली में, तो पानी चलो इधर रखो इधर, उर्दू बिना मिर्चा की है बड़ा छोटा छोटा ना हवा, हमने जो बनाया है वो उतना राइसन पर का है, तो कहीं से तो कहीं वहाँ से बना के ले आवा, तोरा कहित रहा है ना लेकिन तू सुन मेरा सुन लेना चाह हा, मैं टमाटर ना सीझ रही है तो आओ हो गई है, दूध को चटपटा गई थी दूध, भिजवा दे रहे हैं ऑफलाइन खाना,
अब हम नहीं रह जाएंगे खाने के लिए। क्या घीवो करकराना है, डर रखे हुए हैं, ये खा रहा है और आशीष का लगा हुआ दे दे लू क्या, देखो उधर ये अभी बाकी है, लेकिन इसको मैंने कुछ कुछ खिला दिया है, उतना भूखा नहीं है। चल खा के बता तो नमक उमक कैसा है, आज बोल रहा है ना कि खूब कस के भूख लगल है, तो झूठो बोलता है। कैसा है नमक उमक, ठीक है ना, तीता ज़्यादा हो गया है, दूध आ गया है, अभी उबाले नहीं है, ये भुजिया है, यहाँ पे कड़ी बड़ी जा रहे हैं बनाने, यहाँ पे बड़ी चढ़ा हुआ है, कड़ी बड़ी और चावल बनाएंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग श्री शिवाय जय श्री महाकाल, कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो यहाँ पर बना रहे हैं आज कड़ी बड़ी, देख लीजिए बड़ी तल के निकाल लिए हैं, और तेल ज़्यादा था तो सोच रही पहले इसमें सब्जी बना लेते हैं, आलू गोभी की सब्जी चढ़ा दिए हैं, तब उसके बाद नहीं सब्जी हो जाएगा ना, उसके बाद ये कड़ी बड़ी उसमें उबाल देंगे, बस हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा चावल बनाएंगे और क्या, कहाँ गया डेरी मिल्क वाह, डेरी मिल्क है, डेरी मिल्क आया और डेरी मिल्क है, अच्छा आ जाओ जाओ, तो मोहित सो तो यहाँ पे मेरा खाना हो गया, कड़ी छोड़ के गए थे मोबाइल आने चार्ज में लगा हुआ था, कड़ी उबल रहा है, अभी उबला नहीं है इसलिए छोड़ना रिक्सी है, जब तक न उबल जाए ना तब तक इसको ऐसे 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 चलाते रहिए, उबल जाता है तो रिक्स ख़त्म हो जाता है फटने का, इसे फट जाता है। यहाँ पर चावल चढ़ा दिए, यहाँ पे सब्जी बन गया, अभी तहस नहस हो गया, गोभी की सब्जी ले गई है, सुबह ही चली गई, इतना देर से पढ़ाई उसका थी है ना, एकदम सुबह भागी है, 7:30 8 बजे चली गई, कल थोड़ा खाना खाई है, भूखो नहीं लग रहा है, दवाई खा ली है, ऐसे पेट में गर्मी बांध दिया है, चलते नहीं खाएगा, अब इसको उबाल लेते हैं, अब फिर आशीष को उधर ऑफलाइन में खाना भेजना है, काम खत्म।